तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुजम्मिल्स फार्मेसी इन्फोलाइन में बहुत बहुत वेलकम है। आज हम देखेंगे बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट फर्स्ट। इसमें हम देखेंगे टॉपिक सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जनरली एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए इसके ऊपर नोट आ सकती है, तो आप सभी को इसमें दिए हुए जितने भी नोट्स है वो प्रॉपरली देखना है और समझ के एग्जाम में लिखना है। तो हम देखेंगे सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। जो भी हमारे बॉडी के सिस्टम्स है वो इंटरकनेक्टेड ईच अदर, दे कैन नॉट फंक्शन सेपरेटली। द ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इंटू 11 इंटरकनेक्टेड ऑर्गन सिस्टम। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर 11 इंटरकनेक्टेड ऑर्गन सिस्टम्स है। तो उसमें से हम फर्स्ट सिस्टम देखेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गन्स आते हैं? ब्रेन आता है हमारा, फिर स्पाइनल कॉर्ड आता है और नर्व्स आते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इट कोऑर्डिनेट वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस एंड ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, जैसे कि आपको पता है इनवॉलेंट्री मीन्स हमारा हार्ट बीट हो गया, हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं होता इसलिए हम उसको इनवॉलेंट्री बोलते हैं। वॉलेंट्री मीन्स मूवमेंट ऑफ बॉडी, मीन्स हम चल रहे हैं, हम सोच सकते हैं हमें चलना है, मीन्स अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लिखना है तो हम लिख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? वॉलेंट्री। ये मूवमेंट्स क्या करेंगे? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन और नर्व के थ्रू हमारे वर्क करते हैं। मीन्स हमने सोचा मुझे कि ये चीज़ करना है, तो वो हमारे पहले ब्रेन को सिग्नल देगा, फिर नर्व्स के थ्रू हमारे बॉडी तरफ बॉडी के अंदर आएगा, फिर हमारे हैंड में उसके सिग्नल्स आएंगे और हम वो चीज़ करेंगे, उसको हम बोलेंगे वॉलेंट्री। देन सेकंड सिस्टम देखेंगे हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि इसमें हमारा ऑर्गन हार्ट और ब्लड वेसल और ब्लड आता है। जैसे कि हार्ट इज़ वन ऑफ द अवर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। जैसे कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है? हार्ट पम्प्स ब्लड थ्रू ब्लड वेसल एंड ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स। मीन्स हमारा हार्ट जनरली किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? हार्ट हमारा हार्ट बीट से पम्प करता है ब्लड को हमारे थ्रू आउट द बॉडी। कैसे करेगा? थ्रू ब्लड वेसल्स से। तो ब्लड वेसल्स का फंक्शन क्या है और ब्लड का फंक्शन क्या है? तो ब्लड क्या जनरली क्या करते हैं? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे सेल के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनके रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। और वही ब्लड और ब्लड वेसल्स क्या करेंगे? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो हमारे बॉडी से बाहर लेने निकालने का काम भी क्या करेंगे? ब्लड करेगा। तो थर्ड सिस्टम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स कौन से हैं अपना? इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्स आते हैं। इसमें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स हो गए, लार्ज इंटेस्टाइन हो गए, स्टमक हो गया, ये लीवर हो गया, ये सब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा। इनका फंक्शन क्या है? मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जनरली जो भी हम फूड लेते हैं उसका मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है हमारी बॉडी में। किस लिए? फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट और एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। मैकेनिकल ब्रेकडाउन मीन्स जो भी लार्ज पार्टिकल होते हैं, समझो ये हमारा फूड है, इसका स्मॉल पार्टिकल में ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल में इसका ब्रेकडाउन होने से क्या होगा? इसका ब्रेकडाउन इजीली होगा और ये हमारे बॉडी से एलिमिनेट भी होगा, और इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हमारे बॉडी के अंदर इजीली एब्जॉर्ब होंगे। और केमिकल ब्रेकडाउन मीन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक CYP450 बोल के एंजाइम है, ये डाइजेस्टिव के वास्ते और केमिकल ब्रेकडाउन के वास्ते रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करेंगे? मेटाबोलाइज करेंगे हमारे फूड को, और उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हो गए वो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगे, और जो भी एलिमिनेट वेस्ट होगा वो हमारे बॉडी से निकलेगा, मीन्स थ्रू फीसेस थ्रू हमारा सॉलिड वेस्ट बाहर निकलेगा। अब फोर्थ सिस्टम देखेंगे हम यूरिनरी सिस्टम। इसमें जो है किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये ऑर्गन्स आएंगे। इनका फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एलिमिनेशन ऑफ यूरिन एज वेल एज वेस्ट प्रोडक्ट। मीन्स जो भी हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आयन्स होते हैं, उनका मेंटेन करने के लिए, बैलेंस मेंटेन करने के लिए जनरली किडनी रिस्पॉन्सिबल है। जो भी हम वाटर ड्रिंक करते हैं, जो भी फ्लूइड्स हम ड्रिंक करते हैं, उसके अंदर से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होने के बाद में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको निकालने के लिए जनरली किडनी और ये सिस्टम्स फंक्शन करते हैं। आगे देखते हैं
फिफ्थ सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंडर आते हैं लंग्स और एयरवेज। इनका फंक्शन क्या होता है? इट इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका फंक्शन होगा। सिक्स सिस्टम देखेंगे हम लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में इट इंक्लूड्स लिम्फेटिक वेसल्स एंड फ्लूइड। इसका फंक्शन होगा इट प्रोटेक्ट द लिम्फेटिक सेल्स एंड अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मीन्स लिम्फेटिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए लिम्फेटिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। सेवन सिस्टम देखेंगे हम एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो भी हारमोन्स प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और ग्लैंड्स। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसमें हाइपोथैलामस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, ऐसे बहुत से ग्लैंड हैं हमारे बॉडी में जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर आते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेट्स होम्योस्टेसिस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आता है एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर। और ये होमोस्टेटिस भी मेंटेन करता है, मीन्स हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसको हम डिक्रीज करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था व्हाट इज़ होम्योस्टेटिस, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। देन सेकेंड हम देखेंगे एट सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल और फीमेल, इट कंट्रोल्स बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस। जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम सभी को पता है, इसमें फीमेल और मेल इनके ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं फॉर जनरेशन ऑफ न्यू बेबी। एंड नाइन्थ सिस्टम देखेंगे हम मस्कुलर सिस्टम। इट इंक्लूड्स स्केलेटल सिस्टम एंड इट प्रोवाइड्स मूवमेंट। स्केलेटल सिस्टम इसमें देखेंगे मस्कुलर सिस्टम में जो भी हमारे मसल्स होते हैं वो मस्कुलर सिस्टम्स के अंडर इंक्लूड होते हैं। ये हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। टेंथ सिस्टम देखेंगे हम इंटुगमेंट्री सिस्टम। इंटुगमेंट्री सिस्टम्स के अंदर हमारे स्किन, हेयर, नेल्स, सीबेसिस एंड स्वेट ग्लैंड इंक्लूड होते हैं। इनका मेनली प्रोटेक्शन क्या है, फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन है प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। मीन्स स्किन हमें जनरली क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और क्या करता है? बॉडीज टेम्परेचर भी मेंटेन करने के लिए स्किन रिस्पॉन्सिबल है। और स्किन क्या है, हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, विच कंप्राइसेस ऑफ अबाउट 60-20% ऑफ टोटल बॉडी वेट एंड इट्स थिकनेस ऑफ अबाउट 1.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हेयर्स, हेयर्स का फंक्शंस क्या बोलेंगे हम, जैसे कि हेयर्स हमारे हेड के ऊपर होते हैं तो हेयर्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं यूवी लाइट से, किसको? स्कल्प को और हमारे हेड को प्रोटेक्ट करेंगे। और सीबेसिस और स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे, एक्सेसिव वाटर हमारे बॉडी से रिलीज करने के लिए फंक्शन करेंगे। लास्ट सिस्टम देखेंगे हम स्केलेटल सिस्टम। इट इंक्लूड्स बोन एंड जॉइंट, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गन्स। तो देखते हैं, जैसे कि हमने हमारे सिलेबस कॉपी में से कौन से टॉपिक कवर किए हैं, होम्योस्टेसिस ये 5 मार्क को नोट्स आ सकता है और बॉडी सिस्टम देखा है। अगली वीडियो में हम देखेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल देखेंगे, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन भी देखेंगे और सेल डिवीजन और सेल जंक्शन भी देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।